दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल लगाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या किया था, परिध का फार्मूला लगा था और इसमें क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा। जैसे माना दो वृत्त हमारे हैं तो पहले वृत्त की रेडियस है 8 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की रेडियस है 6 सेंटीमीटर, और तीसरा वृत्त हमारा जो बड़ा वाला है इसकी रेडियस हमें ज्ञात करनी है, लेकिन इसका क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। इसके लिए क्या होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, इसका सॉल्यूशन है ये, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर, इसकी त्रिज्या आर वन, इसकी त्रिज्या आर टू। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर के लिए इसका फार्मूला हम लगा देंगे, देखिए दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल है, पहला वृत्त क्या है 2 पाई आर वन, क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना है पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर होगा। पाई को ऐसे रहने देंगे, आर टू स्क्वायर इक्वल पाई, दोनों में कॉमन है, पाई कॉमन ले लीजिए, क्या बचा आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर पाई, और आर वन की वैल्यू है 8 तो 8 का स्क्वायर, आर टू की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर तो 6 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इक्वल पाई 8 का स्क्वायर यानी 8 8 64 प्लस 6 का स्क्वायर यानी 6 6 36, पाई आर स्क्वायर बराबर पाई 6 4 10, 6 3 9 81 10, 100 पाई आ गया। पाई से पाई हमारा कैंसिल होगा, उधर जाएगा पाई तो बटे में आएगा, तो पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर क्या आ गया, आर स्क्वायर बराबर आ गया 100 सेंटीमीटर, तो आर बराबर क्या होगा रूट 100 सेंटीमीटर। तो 100 का जब वर्गमूल हम निकालेंगे, रूट से बाहर करेंगे, तो ये आएगा 10 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या आ गई 10 सेंटीमीटर, यही हमारा होगा आंसर, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपका है आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें रेड जो है हमारा गोल्ड का व्यास दिया गया है, इसका गोल्ड का व्यास है 21 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले गोल्ड की रेडियस ज्ञात करो, यहां लिखेंगे गोल्ड की त्रिज्या क्या आएगी, 21 को 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगी 10.5 सेंटीमीटर। गोल्ड की त्रिज्या क्या आएगी 10.5 सेंटीमीटर, तो गोल्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। गोल्ड का क्षेत्रफल बराबर
पाई आर स्क्वायर, ये गोल्ड है तो गोल्ड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल पाई का मान 22/7, आर कितना है हमारा 10.5 × 10.5, तो इसको कैंसिल करिए, 7 × 1 = 7, पॉइंट लगाएंगे 7 × 5 = 35, 22 × 1.5 × 10.5 बराबर 22 × 15 का 22 से गुणा कीजिए, उसके बाद तो गोल्ड का क्षेत्रफल आएगा 15 × 30, 15 × 30 और 3 = 33, एक अंक पर पॉइंट गुणे 10.5, इससे गुणा कीजिए इसको, तो 10.5 का गुणा करेंगे 33 से, 3 × 15, 3 × 1 = 3, 3 × 15 से वही आएगा 5, 6, 4, 3, एक अंक पर पॉइंट, इसका आ जाएगा क्षेत्रफल 346.5 cm². ये किसका क्षेत्रफल निकला, गोल्ड का क्षेत्रफल निकला। इसके बाद गोल्ड के बाद हम किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, रेड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो रेड की सबसे पहले हमें रेडियस ज्ञात करनी पड़ेगी, तो रेड की त्रिज्या होगी, देखिए गोल्ड की त्रिज्या आ गई थी हमारी 10.5, और सभी का जो क्षेत्र है हमारा ये 10.5 प्रत्येक का है, तो 10.5 में 10.5 ऐड करते चलेंगे, तो 10.5 में हम 10.5 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 21 cm, तो रेड की एरिया निकालेंगे, रेड का क्षेत्रफल ये होगा पाई आर स्क्वायर का फार्मूला रखेंगे, तो फार्मूला एक बार लिख चुके हो, पाई की वैल्यू होगी 22/7, रेडियस क्या है 21, तो 21 × 21, 7 × 3 = 21, 22 किया हो जाएगा 66 × 21, 66 और 21 का गुणा कर लेंगे, जो यहाँ आएगा गुणा करने पर वही क्या हो जाएगा हमारा एरिया। इसके बाद आगे देखेंगे क्या होगा, इसे नोट करते चलें, जिसका छूट जाए वो वीडियो बैक करके देख सकते हैं। रेड के बाद ब्लू, तो ब्लू की रेडियस क्या होगी, ब्लू की त्रिज्या हम निकालेंगे 21 + 10.5, तो ये हो जाएगा 31.5। अब ब्लू का एरिया निकालेंगे, ब्लू का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे 31.5 × 31.5, 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 22 × 4.5 × 31.5, ये इसका क्या आ गया, ये इसकी आ गई एरिया ब्लू की, ब्लू की एरिया इतनी आई। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने पर इसका एरिया कितना आएगा, इसका एरिया कितना आएगा बताओ, मल्टीप्लाई करने पर इसका एरिया आ जाएगा हमारा 17 × 32.5।
1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया? ये आ गया तुम्हारा ब्लू का एरिया। अब किसका बचा है? अब ब्लू के बाद ब्लैक, तो ब्लैक की त्रिज्या निकालेंगे, तो ब्लैक की त्रिज्या कितनी होगी? 31.5, इसमें ऐड करेंगे 10.5, तो ये क्या आएगी? ये आएगी 42 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालेंगे, तो ब्लैक का क्षेत्रफल बराबर 22/7 गुणे 42 गुणे 42, 7×42, 22×6×42, 6×12, 6×12 13, 132×42, 132 और 42 का जब हम गुणा करेंगे तो इसका हमारा आ जाएगा 2425.5, 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्लैक तक हमारी जो है क्षेत्रफल आ चुकी है। अब इसके बाद क्या बचा है? वाइट बचा है, तो वाइट का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो वाइट की त्रिज्या बराबर 42+10.5, तो इसकी क्या आ जाएगी? 52.5। तो व्हाइट की एरिया, व्हाइट का क्षेत्रफल 22/7×52.5×52.5 7×49 7×25 35, 22×7.5×52.5, इन सब का मल्टीप्लाई कीजिए। इन तीनों का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से पांचों एरिए का, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो ये रहा आज का तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन और मैथ की क्लास। इसके पहले हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, लोगों से बताइए, ताकि हमारी मेहनत आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके और मैं और अधिक मेहनत कर सकूं। अगली वीडियो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के हम कल फिर जो है आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।